नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और आपका अपना उत्तराखंड में बहुत स्वागत है। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर पांडु नगरी पांडेकेश्वर के ग्रामीणों ने भी अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावितों और नगर वासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन दिया है। ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और एनटीपीसी को बंद करने की बात कही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा और इस विपदा की घड़ी में पूरा पांडुकेश्वर गांव जोशीमठ और वहां के हर एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनके सुख दुख को साझा करने को हर पल तैयार रहेगा। और यही नहीं, उनके गांव के लोग भी अपना हर तरह का समर्थन सहयोग प्रभावित परिवार को देने के लिए तत्पर रहेंगे। उनका कहना है कि एनटीपीसी का टनल निर्माण ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ही काम बंद किया जाए ताकि जोशीमठ को बचाया जा सके। तो चमोली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें लोगों ने एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने जोशीमठ नगर के समर्थन में रैली भी निकाली है। तो बता दें आपको, लगातार जोशीमठ से खबरें सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं हम कि एक ही परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसके साथ ही उनके सुख दुख को साझा करने को हर पल तैयार रहेगा, ऐसा कहना है। और यही नहीं, उनके गांव के लोग भी अपना हर तरह का समर्थन सहयोग प्रभावित परिवार को देने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जोशीमठ को लेकर अब लोगों का समर्थन भी देखने को मिला है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी सुमन, बिल्कुल, जोशीमठ में जिस ढंग के जो गतिविधियां चल रही हैं, जिस ढंग का वहां पे भूत साव चल रहा है, जिस ढंग से लोगों के लोग घर से दर बदर हो रहे हैं, तो अब जो जोशीमठ और क्षेत्र के आसपास के गाँव है, गाँव के ग्रामीण है, वो भी जोशीमठ बचाओ जो संघर्ष समिति है उस समिति के समर्थन में और वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनके समर्थन में अब सड़कों पर आने लगे हैं। और लोग यही चाहते हैं कि जोशीमठ को किसी न किसी तरह से बचाया जाए, वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए उनको बचाया जाए, उनके जो घर और जो खेत खलिहान है उनको बचाया जाए। तो अब वर्तमान में जो पांडुकेश्वर है, पांडु नगरी जिसे कहते हैं, जो पांडु की नगरी है पांडुकेश्वर, तो वहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं पुरुष हैं, वो लोग अब उनके समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि पड़ोसी आसपास के लोग हैं। तो इसी ढंग से अब पूरे क्षेत्र जोशीमठ के आसपास ही नहीं बल्कि अब पूरे राज्य भर के लोग भी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और जोशीमठ बचाने के लिए मांग करने लगे हैं। जी सुरेंद्र, जिस तरह से जानकारी ये भी है कि एनटीपीसी को लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है, उनको लेकर क्यों विरोध हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा जागरूक करिए। जी, एनटीपीसी जो है ये जो जल विद्युत परियोजना का प्रोजेक्ट कंपनी है, इस कंपनी को जो टनल और वहां पर जो पावर हाउस बने हैं, अब लोगों का जो ये मानना है, जो अब तक जो निकल करके जो एक लोगों की तरफ से जो आ रहा है कि एनटीपीसी के जो टनल है उस टनल जोशीमठ शहर के नीचे बनी है, तो वही टनल जो है जोशीमठ में भू धसाव और जो पानी का रिसाव है वो मुख्य कारण है, तो लोग उसको कारण मानते हैं। इसलिए लोग ये लोगों की ये मांग है कि जो एनटीपीसी है उसको यहाँ से भगाओ और इसको जो परियोजना उसको बंद करो। तो विरोध एनटीपीसी का जो है इसलिए लोग कर रहे हैं कि जो लगातार जो पिछले वर्ष जो रैणी में जो बड़ी आपदा है, कि जो टनल में जो बड़ी आपदा है कि वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जो मौत हो गई थी, आज भी कई लोग उस टनल में जो मृत हैं वो मलबे में दबे हैं, वो निकाले नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि जो एनटीपीसी है या पर्वतीय क्षेत्र में जो इस ढंग के अनियोजित जो कार्य होते हैं, जो विकास कार्य तो है लेकिन कहना है विकास के साथ लोगों को आपदा का दंश भी झेलना पड़ा, तो इसलिए लोग एनटीपीसी का विरोध कर रहे हैं। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो चंबोली से खबर बता रहे थे, जहां पर ग्रामीणों ने अब जोशीमठ नगर के जो समर्थन के लोग हैं उनको समर्थन देने का अब नारा दिया है और इसके साथ ही ग्रामीणों ने जोशीमठ नगर के समर्थन में ये जो भव्य रैली है उसको भी निकाला है। उसके साथ ही इस रैली में महिलाएं पुरुषों की जो शिरकत है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में मौजूद ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम कंपनी से 7 अभियुक्तों ने तमंचे की नोक पर फैक्ट्री में डकैती डालकर करीब 35 लाख के माल की घटना को अंजाम दिया था। डकैती की सूचना मिलते ही एसएसपी द्वारा एक टीम गठित की गई और वहीं पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से गिरफ्तार कर डकैती का माल भी बरामद कर लिया है। तो वहीं 3 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि देर रात्रि सिडकुल यही थाना क्षेत्र में एल्यूमिनियम की कंपनी में 7 बदमाश आए, जिन्होंने तमंचा और चाकू के बल पर कंपनियों के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 35 लाख का माल लूट कर ले गए थे। सूचना पर तत्काल टीमें बनाई गई थी, जिनमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और सभी लोग सहारनपुर के गंगों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि ये देश पुजारियों का नहीं है, और इस बयान के बाद पूरे देश में राहुल गांधी का विरोध बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित भी राहुल गांधी के इस बयान आक्रोशित हैं और हरिद्वार में अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहितों द्वारा ही राहुल गांधी के बयान का विरोध किया गया है और कहा गया है कि राहुल गांधी को भारत छोड़ो या छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ ही अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष उज्जवल पंडित का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत देश के पुजारी पुरोहितों का अपमान किया है। राहुल गांधी द्वारा कहा गया है कि ये देश पुजारियों का नहीं है और हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। और राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जिस भारत में सनातन परंपराएं इतनी मजबूत है कि हजारों सालों तक गुलाम रहने के बाद भी भारत आज विश्व में अपना अलग परचम लहराए हुए है। राहुल गांधी खुद तिलक लगाकर चुनाव प्रचार करते हैं और ऐसे व्यक्ति को देश कभी भी स्वीकार नहीं करता। इन लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। सितारगंज बंद रास्ते को जबरन खोलने के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर दोबारा निर्माण की मांग की है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन दबंग प्रगति के लोगों ने ही जेसीबी मशीन से दीवार ढहा दी थी और जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं। वार्ड 10 शिव बिहार कॉलोनी निवासी महिलाएं सोमवार को ही एसडीएम कार्यालय पहुंची और यहां उन्होंने एसडीएम को मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उनके रिहायशी मकान बने हुए हैं जिनका बेनामी हो चुका है। कॉलोनी में ही दक्षिण उत्तर की तरफ 25 फीट का मार्ग जाता है जो पूरब में खत्म होता है। इससे आगे दूसरे खसरे का भी रकबा शुरू हो जाता है। यहां उन्होंने मार्ग में दीवार बना रखी थी और 30 दिसंबर को कुछ लोगों ने मिली भगत कर दीवार को गिरा दिया, जिसकी सूचना वार्डवासियों को भी नहीं दी गई। जबकि वार्डवासी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते आ रहे हैं, उन्होंने एसडीएम से दोबारा दीवार निर्माण कराने की मांग की है। और राजस्व उपनिरीक्षक राम अवतार ने बताया है कि विवाद की जांच के लिए राजस्व उपनिरीक्षक शेखर आर्य दीपक महर उनके साथ संयुक्त टीम में गए थे। सितारगंज में एसडीएम तुषार सैनी की कई दिनों से कार से रेकी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी थी कि आरोपित कई दिनों से उनके आवास कार्यालय के आसपास भटक रहा था। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया है कि कुछ दिनों से कार सवार संदिग्ध उनके सरकारी आवास कार्यालय के आसपास उनकी रेकी कर रहा था और आरोपित की हरकतों से एसडीएम तुषार सैनी घबरा गए। उन्होंने कई दिनों से रेकी कर रहे युवक को पीछे आते देखा और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लिया है। आरोपित चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार था और पुलिस आरोपित से रेकी करने का मकसद जानने के लिए पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि आरोपित अवैध खनन करने वाले आरोपितों का मुखबिर हो सकता है। आरोपित के मोबाइल नंबरों में खनन कार्यों से संबंधित डिटेल्स मिले हैं।
विकास खंड डोईवाला में विकास खंड अंतर्गत के ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम व्यवस्था का विरोध करते हुए ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त से बाहर होने की बात कह दी है। ग्राम पंचायतों के विकास अवरुद्ध करने का आरोप भी आंदोलन कर रहे ग्राम प्रधानों ने लगाए। डोईवाला विकास खंड अंतर्गत के ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े प्रधानों ने जिला अध्यक्ष शोभन सिंह केंतुरा के नेतृत्व में ही ब्लॉक मुख्यालय डोईवाला में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सेवा को वापस लेने की मांग की है। प्रधान संगठन भटवाड़ी ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम रावत के नेतृत्व में ही खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मामले पर जल्द विचार नहीं होता तो प्रदेश व्यापी जो आंदोलन होगा। बता दें आपको कि ऑनलाइन वर्क को लेकर प्रधान संगठन नाराज है और मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर संगठनों ने नाराजगी भी जताई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इसको मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का ये विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहा है विरोध ये? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि भटवाड़ी ब्लॉक में जो प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर प्रीतम रावत के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम गाँव के प्रधानों ने यहाँ पर जो ऑनलाइन जो मनरेगा के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर विरोध जताया है कि जो मनरेगा के जो कार्य है वो ऑनलाइन के जो निर्णय आए हैं उस पे यहाँ पर साफ तौर पर सभी ग्राम के जो प्रधान है जो प्रतिनिधि है यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर आक्रोश जताया है और इसका जो ज्ञापन है वो जिला स्तर पर और तमाम विभागों में देने के कहा कि अगर ये मामला रहता है तो इसका विरोध वो जता रहे हैं। सुमित, क्या कारण है जो इसका विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? हाँ जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मनरेगा के तहत यहाँ पर जो कार्य होते हैं जो मनरेगा अंदर तमाम तरह के जैसे कि कार्य किया जाता है ग्राम सभा में तो वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है कि जो कार्य करेंगे उसे ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मजदूर हैं या कुछ भी यहाँ पर कार्य करें तो वो ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि जितने भी है वो चाह रहे हैं कि मनरेगा जैसे चल रहा था उसके हिसाब से वो चले और ये जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है ये ना हो। जी, सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, लगातार महिलाएं पुरुष इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इसको लेकर जो खंड विकास अधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिला मुख्यालय पौड़ी में राजस्व उप निरीक्षक की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश की ही 1800 राजस्व चौकियों को रेगुलर पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया गया है। मामला जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे निशणी गांव का बताया जा रहा है जहां पर 2 जनवरी को गांव के ही कुछ दबंग युवाओं द्वारा एक प्रवासी युवक के साथ मारपीट करके उसे लहूलुहान कर दिया था और इस दौरान ही पीड़ित के सिर में 18 टाके आए थे और पीड़ित द्वारा उस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। और इस पूरे मामले में तहसीलदार पौड़ी हरेंद्र खत्री ने बताया है कि उनके द्वारा ग्रामीणों से 2 दिन का समय मांगा गया है और 2 दिन के भीतर सभी 6 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने साफ किया है कि अगर 2 दिन के भीतर नाम दर्ज सभी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे 2 दिन बाद ही जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सभी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पौड़ी की होगी। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राजस्व उप निरीक्षक की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अगर 2 दिन के भीतर नाम दर्ज सभी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे इसको लेकर और इसके साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ ही बता दें आपको कि जिसकी सभी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन पौड़ी की होगी, ऐसा उनका कहना है।
पौड़ी जिले के ही नादल सयूपट्टी के त्रिकोट के रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के बैराज चीला मार्ग पर गंगा भोगपुर में ही मौजूद वंत्रा रिजॉर्ट में ही रिसेप्शनलिस्ट की नौकरी करती थी और अंकिता इस रिजॉर्ट में ही 28 अगस्त 2022 से नौकरी कर रही थी और वो बीती 18 सितंबर को ही राजस्वमयी तरीके से लापता हो गई और इसको लेकर जिसके बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। बता दें आपको कि 22 सितंबर तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला, इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया और वहीं बीती 24 सितंबर 2022 को ही अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। इसके बाद वनेत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, अंकिता और इसके साथ ही सौरभ को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों इस समय जेल में बंद है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। अब बात तीनों आरोपियों को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर अटकी हुई है। उत्तराखंड के ग्रीम्स कालीन राजधानी के तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की मांग के लिए गैरसैंण क्षेत्र के कई गांवों की महिलाओं और पुरुषों व्यापारियों ने विगत बुधवार से ही नगर के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था और बता दें आपको कि इसको लेकर आज धरने के सातवें दिन भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर रामलीला मैदान में मौजूद हैं और गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार यहां के लोगों की ओर से सरकार से डॉक्टरों नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती रही है, लेकिन जनता सड़कों पर उतरी है तो साफ है कि जनता ही नहीं सुनेगी। और इसके साथ ही इससे पहले विगत मंगलवार को गैरसैंण क्षेत्र की जनता ने रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर गैरसैंण की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय तक प्रदर्शन किया था। साल 2023 के मई और जून महीने में प्रस्तावित G20 के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में डीएम और एसएसपी ने संयुक्त निरीक्षण कर कार्यक्रम के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में सफाई व्यवस्था मुकम्मल और साज सज्जा के उचित इंतजाम करने के निर्देश मुख्य रूप से डीएम ने अधिकारी को दिए हैं, जबकि एसएसपी ने आने वाले विदेशियों मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था और उनको कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के लिए अधिकारियों को कहा है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी जिला मुख्यालय को भेजने के लिए निर्देशित किया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और जिसके चलते देश में G20 के 56 कार्यक्रम आयोजित होने हैं और जिसमें दो कार्यक्रम ऋषिकेश और शहर के निकट मुनि की रेती लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आयोजित होंगे, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इन दो बड़े वीवीआईपी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए शासन और प्रशासन ने अपने स्तर से सुविधाओं को जुटाना शुरू कर दिया है। गदरपुर के सुहावा राम भुट्टी धर्मशाला में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण टोगड़िया पहुंचे और वहां पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण टोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं को संगठित करना, उन्हें खेलों में पारंगत करना, सेनाओं के लिए तैयारी कराना और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य से है और हम लोग ये भी सोच चाहते हैं कि जो हिंदुओं के लिए काम करेगा वही आने वाले लोकसभा में चुनाव जीतेगा। राज्य सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं उसी का नतीजा है कि सिर्फ कश्मीर घाटी में पहले हिंदुओं की हत्याएं होती थी, अब राजौरी जैसे स्थानों पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं और हिंदुओं को मजबूत संगठित सैनिक भर्ती में लाने की स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे जो किसानों और हिंदुओं के लिए काम करेगा। वो आने वाले लोकसभा चुनाव में विजयी होगा और हम लोग हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास करते रहेंगे।
शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में 4 दिवसीय अंडर 11 से लेकर 35 साल के ऊपर तक बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बता दें आपको कि खेल का शुभारंभ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार और इसके साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से किया है और इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 13 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर को एक इंडोर स्टेडियम का सौगात देकर यहाँ के खिलाड़ियों को तोहफा दिया है, जिसका परिणाम आज इस तरीके का खेल यहाँ के युवा के साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।